गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट जी के चैप्टर सेकेंड, चैप्टर टाइटल इज मेडिसिनल प्लांट्स। माई सेल्फ अस्मिता दी, आई एम योर जी के टीचर। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ प्लांट यूज टू क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। यह प्लांट किस लिए काम आता है? यूज टू क्योर, किस लिए? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए। इट इज़ यूज इन आवर फूड, यह हमारे फूड में काम आता है। एंड ऑल्सो यूज टू ट्रीट इरेज, और किसको ट्रीट करने के लिए होता है? ऑल्सो इरेज। चलिए, क्या है ये? गार्लिक। सेकेंड है हर्ब विच इज़ यूज इन मैनी मेडिसिनल रेमेडीज एंड ऑल्सो यूज इन आवर टूथपेस्ट टू गिव फ्लेवर। मतलब कौन सा है हर्ब है जो बहुत सारे मेडिसिनल रेमेडीज़ में यूज़ होता है और ऑल्सो यूज इन आवर टूथपेस्ट, और हमारे टूथपेस्ट में भी उसका फ्लेवर दिया जाता है, तो क्या है वो? मिंट। नेक्स्ट है हर्ब विच इज़ ऑफ येलो कलर। कौन सी वो हर्ब है जिसका कलर येलो है? एंड हैविक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद इट इज़ कॉमनली यूज, और यह है जो है कॉमनली यूज इन आवर किचन, हमारे किचन में यूज़ होता है मोस्टली, तो क्या है वो? टर्मरिक। ये हम अपने किचन में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ प्लांट हैविंग रिलीजियस वैल्यू इन इंडिया। इस यह एक ऐसा प्लांट है जिसकी मतलब रिलीजियस वैल्यू है, कहाँ पर? इंडिया में। मतलब रिलीजियस बोलते हैं धर्म से संबंधित। ओके, इट इज़ यूज टू ट्रीट मैनी डिजीज़। यह काफ़ी सारे मतलब डिजीज़ में यूज़ होता है सही करने के लिए इसको, सच एज नोसिया में, डायसेंट्री में, गैस में। किसको यूज़ करते हैं हम? तुलसी, और तुलसी की पूजा भी की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ ग्रीन ट्री। यह एक ग्रीन ट्री है, कॉमनली ग्राउंड अराउंड आवर होम्स। यह हमारे घर के आसपास ही मिलता है। इट लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। इसकी जो लीव्स हैं वो मतलब दवाइयों से संबंधित वैल्यू रखती हैं। द टेस्ट ऑफ इट्स लीव्स इज वेरी एक्रेड, यानी इसका टेस्ट जो होता है बिल्कुल कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है? नीम है। मोस्टली गाँवों में तो ये हर घर में ही मिलेगा आपको, और हम शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर वेरी थिक। इसकी जो प्लांट की वो बहुत ज़्यादा थिक हैं जो पत्तियाँ हैं, विद स्पाइंस ऑन देयर एज। द जूस ऑफ द लीव्स इज़ यूज टू मेक लोशंस। इसका जो जूस है इसकी पत्तियों का वो किस लिए यूज़ होता है? लोशन बनाने में, क्रीम्स एंड शैम्पूज बनाने में। क्या है? एलोवेरा। एलोवेरा से हमारी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए इसका जूस निकाल कर उससे हम लोशंस भी बनाते हैं, क्रीम्स बनाते हैं एंड शैम्पूज बनाते हैं। द स्टीम, नेक्स्ट देखिए, द स्टीम ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज इन आवर फूड। जो इस प्लांट की स्टीम है वो हमारे खाने में यूज़ होती है, एंड समटाइम्स इन टी, और कभी कभी चाय में भी डालते हैं ना। इट इज़ यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ, और यह है किसको ठीक करने में काम आता है? कोल्ड और कफ को। जिंगर, अदरक है ना। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द प्लांट हुज सीड्स आर यूज टू एग्जैक्ट ऑयल्स। यह प्लांट है हुज सीड्स, जिसकी बीज है, किस लिए यूज़ होता है? एग्जैक्ट ऑयल्स के लिए। द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस प्लांट का जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एंड येलो इन कलर और पीले कलर में है। तो क्या नाम है इसका? सनफ्लावर। सनफ्लावर मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फ्लावर है आपका, क्योंकि सनफ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, देखने में भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ प्लांट यूज एज अ स्पाइस। इसका जो प्लांट है इसको स्पाइस के जैसे यूज़ होता है, एंड ऑल्सो टू ट्रीट टूथेक, और ऑल्सो ट्रीट यानी कि टूथेक को ट्रीट करने के लिए भी, तो क्या है वो? क्लॉव। नेक्स्ट देखिए, प्लांट विच इज़ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। कौन सा प्लांट है जो सोर्स है किसका? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, तो कौन सा है वो? सिंचौना। नेक्स्ट देखिए, द सीड ऑफ दिस हर्ब, इस हर्ब की जो बीज है, आर यूज टू गेट रिलीफ, आराम देने के लिए यूज़ होता है, फ्रॉम इंटेस्टिनल गैस, यानी कि इंटेस्टिनल गैस में आराम देने के लिए आराम मिलता है इसकी हर्ब की सी बीज से। एंड इज़ आल्सो यूज एज स्पाइस इन अ करी, और यह एक करी, इन अ करी यानी करी में स्पाइस के लिए के जैसे यूज होता है। क्या है ये? फेनुग्रीक। क्या है स्टूडेंट? फेनुग्रीक। आई होप योर टॉपिक इज क्लियर। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस यू कैन आस्क, आई कैन सॉल्व। थैंक